नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल डोजो स्किल। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक और क्वालिटी कंसेप्ट के साथ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाई वाई एनालाइज। आकर दोस्तों होता क्या है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वाई वाई एनालाइज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाई वाई एनालाइज को हम 5 वाई एनालाइज के नाम से भी जानते हैं, 5 वाई एनालाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसको देने वाले हैं TPS, मतलब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने 1930 में थे साकीची टोयोटा। तो दोस्तों, साकीची टोयोटा सान ने इसको डेवलप किया था, तो और इम्प्लीमेंटेड बाय ताइची ओहनो। तो दोस्तों, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने जब भी कोई डिफेक्ट आता है, जब भी कोई समस्या आई, तो उसका मूल कारण जानने के लिए, उसका रूट कॉज जानने के लिए वाई वाई एनालिसिस का डेवलप किया। और इसको डेवलप करने वाले थे साकीची टोयोटा-सान, और इसको फिर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के मैं के अंदर पूरे पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने वाले थे ताइची ओहनो-सान। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम इन कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का हम एक कोई ना कोई एक कारण होता है और उस कारण को हम नॉर्मली जान नहीं पाते हैं, तो उसको जानने के लिए ही हम लोग वाई वाई एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग किसी भी एक समस्या को लेंगे, उसे हर बार पूछेंगे वाई। और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ये कहता है कि जब आप किसी से भी 5 बार वाई पूछते हैं, 5 बार क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आपको उस समस्या का एक रूट कॉज मिल जाता है। तो दोस्तों, यही है वाई वाई एनालाइज। जब भी हम किसी कोई भी एक हमारे पास समस्या आई, तो मैं करूँगा वाई और उसके बाद फिर आएगा हमारा फिर वाई टू, फिर एक क्वेश्चन निकलेगा वाई तीन, फिर वाई चार और वाई पाँच। तो दोस्तों, जब हम किसी क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे, जैसे कोई भी एक समस्या है, हमने उसको लिया वाई, तो सामने वाला कोई ना कोई जवाब देगा, फिर हम उसको क्वेश्चन को करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, फिर वो कोई आंसर बताएगा, फिर हम कहेंगे अच्छा ऐसा क्यों हुआ, फिर वो कोई बात। तो इस प्रकार से हम जब 5वीं बार करते हैं, तो हमें यहाँ पे 5वीं बार में आप देखेंगे कि किसी भी समस्या का रूट कॉज हमें मिल जाता है। और जब वह रूट कॉज में हमें मिल जाता है, तो उस रूट कॉज के लिए बाद जानने के बाद हम उसके लिए कापा लेंगे, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस को और ज़्यादा हम विस्तृत तौर पे जान लेते हैं कि वाई ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, एक समस्या आई कि मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, ये मेरी एक समस्या है। मतलब अभी हम बात करते हैं एक जर्नल डेली रूटीन के लिए, तो हम जब हमने लिया तो हमने कि फास्ट
ड्राइविंग, ये मेरा प्रॉब्लम हुई, ये मेरा दोस्तों क्या हुई, एक प्रॉब्लम कि फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, मुझे पुलिस वाले ने रोका तो उसने मुझसे पूछा कि आप फास्ट ड्राइविंग क्यों कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ, हमारा ये हो गया वाई वन, दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हमारा वाई वन था, या इसको यहाँ से हटा दें। अब उन्होंने पूछा पहला वाई कि फास्ट ड्राइविंग क्यों कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा वाई, मैंने कहा कि जी मैं तो ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा, फिर उनका दूसरा क्वेश्चन आया कि आप ऑफ़िस के लिए क्यों लेट हो रहे थे, वाई यू आर लेट। अब मैंने कहा सर मेरी नींद नहीं खुली और मैं लेट सो के जगा, तो उन्होंने कहा आप लेट क्यों सो कर उठे, वाई यू वेक अप लेट। अब उन्होंने कहा कि भाई आप लेट क्यों उठ जगे, मैंने कहा सर मेरा अलार्म नहीं बज पाया, नंबर चार अलार्म नॉट रेज। उन्होंने कहा आपका अलार्म क्यों नहीं बज पाया, मैंने कहा सर उसका सेल ख़त्म हो गया था या मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, बैटरी डेड हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई अब बताओ कि बैटरी क्यों डेड हो गई थी। अब वाई सिक्स, मैंने कहा सर मैं उसको समय से चार्ज नहीं कर पाया तो इस वजह से मेरी बैटरी डेड हो गई थी, नॉट चार्ज ऑन टाइम। तो दोस्तों जब हम इसको निकाला तो उन्होंने पाया कि भाई मेरी मैं समय से बैटरी को चार्ज नहीं कर पाया, इस वजह से मैं फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि नहीं यार थंब रूल कि नहीं आपको पांच बार करना है या कुछ ऐसा है। आप कि अगर प्रॉब्लम तीन से चार बार में आ जाती है तो आप तीन से चार बार करें, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रॉब्लम तीन चार बार में नहीं निकली तो आप उसको पांच से छह बार में कर सकते हैं। तो आप इसमें मतलब, लेकिन आपको एक जो मीन होता है जिसको हम मध्य बोलते हैं कि कम से कम यार देखो पांच बार करो, कोशिश करो कि आप पांच बार करो, नहीं होता है चार में आपका आंसर मिलता है, आपको चार में रूट कॉज मिलता है तो आप चार में करो, और आपको लगता है नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आप छः भी कर सकते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा रेयर होगी समस्या तो आप सात बार में उस चीज़ को पहुँच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी दो समस्याएँ होती, एक क्या है आपकी अक्रेंस पे, एक आपकी प्रॉब्लम अक्रेंस होता है हमारा, और एक यार दोस्तों एक हुआ हमारा डिटेक्शन, मतलब अक्रेंस जहाँ से पैदा हुआ और डिटेक्शन जहाँ से हमारा फ्लो हुआ, मतलब जहाँ से हमारा, ये हमारा जहाँ जन्म देने वाला और ये हमारा लास्ट का पॉइंट्स जिसमें ये हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर अब हम बात करते हैं, चलिए किसी एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं कि इसमें हमें कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, इसको लेते हैं प्रॉब्लम। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं कि भाई हमें रेडिएटर असेंबली पे कोई फ्लैश मिली, एक एग्जांपल का तो रेडिएटर फ्लैश फाउंड ऑन रेडिएटर
असेंबली। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें क्या हुआ हमारा, अब ये हमारा पहला वाई का ऑकुरेंस में, अब हम देखते हैं ऑकुरेंस में। ठीक है, अब इसको मैंने लिया ऑकुरेंस में। अब मेरा दोस्तों वाई वन क्या हुआ, पहला वाई हुआ हमारा जो प्रॉब्लम है वही हमारा कि भाई हमें क्या हुआ फ्लैश फाउंड ऑन रेडिएटर असेंबली। ठीक है दोस्तों, अब रेडिएटर असेंबली में हमें फ्लैश क्यों मिली, अब इसमें कह रहा है कि रेडिएटर असेंबली में क्यों मिली, क्योंकि हमारे दोस्तों इसका क्या है कि रेडिएटर असेंबली में फ्लैश मिली, उसके लिए हमने किया कि हमारा जो स्लाइडर है और हिल ब्लॉक है, स्लाइडर एंड हील ब्लॉक नॉट मैचिंग प्रॉपरली। ठीक है, अब भाई स्लाइडर और हील ब्लॉक मैचिंग क्यों नहीं थे, क्यों मैच नहीं हो पाए प्रॉपरली, ये हमारा तीसरा, क्योंकि हमारा जो हील ब्लॉक है वो माइनर ब्रोकन हो गया। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जी भाई माइनर ब्रोकन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे एक्सेस क्रिम्पिंग प्रेशर के कारण हो गया, क्रिम्पिंग प्रेशर के कारण हो गया। ठीक है, अब आया कि भाई एक्सेस क्रिम्पिंग पावर के कारण क्यों एक्सेस क्रिम्पिंग प्रेशर दिया गया, क्योंकि हमारा क्या आ रहा था कि उसके अंदर कोई माइनर बार पेज की एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके अंदर हमें वो ख़त्म करने के लिए हमें वो देना पड़ा क्रिम्पिंग प्रेशर देना। तो इसका मतलब हुआ टू एलिमिनेट माइनर पेपर फ्लैश, टू एलिमिनेट माइनर पेपर फ्लैश। ठीक है दोस्तों, ये अब मेरा Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 हमारा हो गया। तो जैसा भी आपने देखा, तो ये हमारा रूट कॉज निकला इस समस्या का, ये हमारा क्या निकला रूट कॉज। अब इस रूट कॉज के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कोई ना कोई ऐसा कापा लेंगे, तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा ऑकुरेंस पे। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन के ऊपर, कि ये वाली प्रॉब्लम डिटेक्शन में कैसे हुआ। ठीक है जी, अब दोस्तों आते हैं हम डिटेक्शन के ऊपर। डिटेक्शन में Y1 क्या हुआ हमारा, Y1 हुआ हमारा दोस्तों फ्लैश फाउंड ऑन रेडिएटर असेंबली, यही है जो ये प्रॉब्लम होते हो वो हमारा हमेशा Y1 होता है, चाहे वो ऑकुरेंस में हो चाहे वो डिटेक्शन में हो। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, फ्लैश फाउंड ऑन रेडिएटर असेंबली। ठीक है जी, अब रेडिएटर असेंबली पे फ्लैश क्यों मिली, अब इसमें दोस्तों हम लिखेंगे कि हमारा फाइनल, जहाँ पे हमारा फाइनल चेकिंग हो रही थी वहाँ पे हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये होगा फ्लैश नॉट डिटेक्टेड एट फाइनल इंस्पेक्शन। अब क्वेश्चन मेरा क्या आना चाहिए कि भाई फाइनल इंस्पेक्शन पे फ्लैश क्यों नहीं डिटेक्ट हुई, या अब इसका आंसर होगा पहला तीसरा कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारा चेकिंग मेथड इज़ नॉट एडिक्वेट, क्योंकि हमारा चेकिंग
method is not adequate. अब checking method adequate क्यों नहीं था? क्योंकि adequate method is not defined in WI बोलते हैं दोस्तों work instruction को, कार्य निर्देशिका, जिसे हमें इसके ऊपर भी मैं दोस्तों एक वीडियो आप लोगों को WI होते क्या है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या है, एडिक्वेट मेथड इज़ नॉट डिफाइंड इन WI। अब भाई WI में एडिक्वेट मेथड क्यों नहीं था? तो दोस्तों इसका आना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही डिफाइंड नहीं था। यार रूल इज नॉट डिफाइंड कर सकते हैं हम इसको, या इसको बोल सकते हैं कि भाई रूल इज नॉट क्लियर नहीं था, तो वट एवर जो भी है, ठीक है। तो इसमें अब आपने पाया, ये मेरा डिटेक्शन में भी हुआ, मैंने ऑक्यूरेंस वाला भी आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जब भी कोई समस्या आई उसका रूट कॉज जानने के लिए 5 बार वाई करते हैं आपको। जैसे मैंने बोला कि ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई फाइन रूल नहीं है कि आपको भैया 5 बार ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका आंसर 4 बार में मिला है तो आप 4 बार कीजिए, आपको आंसर 5 में नहीं मिला तो 6 बार कीजिए, 6 बार में नहीं मिला तो 7 बार कीजिए। लेकिन जैपनीज कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन सिस्टम वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आपको 5 बार करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने जाना कि वाई एनालाइज के अंदर हम ऑकोरेंस में और डिटेक्शन में कैसे 5 बार वाई करते हैं, कैसे, क्यों 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 क्यों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले बार फिर मिलूँगा एक और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।